With the first chapter of food and where does it come from? We were on page number 4. Start reading. Do you know where honey comes from or how it is produced? आपको पता है शहद कहाँ से आता है या कैसे बनता है? Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता यानी beehive देखा है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं? Bees collect nectar or sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. मधुमक्खियाँ जो है वो flowers यानी कि फूलों से nectar यानी उनका रस जो है जो उसका मीठा रस है collect करती हैं, उसको वो honey में convert यानी बदल देती हैं और store कर लेती हैं अपने छत्ते में अपने hive में. Flowers and their nectar may be अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फूल और जो उनकी जो रस होता है वो साल में कुछ ही महीनों के लिए अवेलेबल होता है. जैसे सरसों का भी मौसम होता है, सूरजमुखी का भी मौसम होता है, एप्पल्स का मौसम होता है, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही अवेलेबल होते हैं. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज. इसलिए बीज उनके जो रस है उसको अपने पास स्टोर कर लेती हैं. So bees store this nectar for their use all through the year. वो साल भर उसको यूज करती हैं. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और जब हमें कहीं एक छत्ता दिखता है तो हम उसको तोड़ के और उसका जो खाना है उनका उसमें स्टोर किया हुआ उसको हम शहद के रूप में यूज़ करते हैं. What do animals eat? जानवर क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? तो आपके घर में क्या कोई जो है गाय या भैंस है या फिर बकरी है या ऐसा कोई पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हैं? या a dog, cat, buffalo or a goat? क्या आपके पास dog है या cat है या buffalo है या goat है? You will then surely be aware of the food the animals eats. और तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जानवर कौन सा खाना खाते हैं. What about other animals? दूसरे जानवर क्या खाते हैं? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? क्या आपने कभी इस बात को देखने की कोशिश करी है कि एक गिलहरी, एक कबूतर, एक छिपकली या एक छोटा सा कीड़ा ये क्या खाते हैं? Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. देख दो के उन्होंने बताएं क्या खाते हैं फिर इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. तो ये आप इसको टेबल को आप फिलअप कर लीजिएगा. कैट ईट्स देखिए जैसे बफेलो ग्रास ऑयल केक हे ग्रेन्स. हे माने सूखी घास को हे कहते हैं. और ऑयल केक्स भी खाते हैं और ये दान जो हमारे अनाज है वो भी खा लेते हैं. बेसिकली ये घास फूस खाते हैं. कैट जो है स्मॉल एनिमल्स बर्ड्स और मिल्क. कैट जो होती है छोटे जानवरों को चिड़ियों को खा लेती है और दूध भी पीती है. रैट जो है वो ग्रेन्स खाते हैं यानी दाने वगैरह ज़्यादा खाते हैं. लायन आपको पता है मीट या फ्लैश वो खाता है. टाइगर भी मीट खाता है. स्पाइडर इंसेक्ट्स खाती है. हाउस लिजर्ड भी इंसेक्ट्स खाती है. स्पाइडर माने मकड़ी, हाउस लिजर्ड माने घर में रहने वाली छिपकलियाँ. काउ ग्रास हे एट्सेट्रा. वही जो बफेलो खाती है वही काउ खाती है. ह्यूमन बींग्स तो ज़्यादातर आपको पता ही है ग्रेन्स वेजिटेबल्स मीट मिल्क एग्स सभी कुछ खा लेते हैं. बटरफ्लाई नेक्टर. बीज ऑल्सो हैव नेक्टर. क्रो वर्म्स यानी कीड़े इंसेक्ट्स रोटी ब्रेड एट्सेट्रा. अदर्स लाइक मंकी ईट फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. तो और भी जानवर हैं जो तरह तरह की चीज़ें खाते हैं. नाउ एक्टिविटी 7. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज. प्लेस एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. सो व्हाट आर हर्बीवोर्स? द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. Now there are some animals which eat other animals. Place them in group 2 and these animals are called carnivores. Do you find some animals which eat both plants and animals? Kuch aise janwar hain jo dono hi
पेड़ पौधों से भी के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और फ्लैश और एग वगैरह भी खाते हैं. तो प्लेस देम इन ग्रुप थ्री, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और तो वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द थ्री कॉलम्स एज शोन. इसको आप जब तक आपकी बुक नहीं आती, आप एक कॉलम अपनी कॉपी बना लीजिए और उसमें ये कॉलम्स बना लीजिए. काउ जो है वो हर्बीवोर है. बटरफ्लाई, मंकी, गोट, बफेलो, दे आर ऑल हर्बीवोर्स. ये सिर्फ प्लांट्स घास फूस खाते हैं. कार्निवोर्स में लायन, टाइगर, स्पाइडर, स्नेक एंड दिस इज फॉक्स. नाउ ओमनीवोर्स में डॉग, कैट, ह्यूमंस, क्रो, पीकॉक, ये सब ओमनीवोर्स हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं. ठीक है. वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्टर्स हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड. वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है, खाना कम है, हमें ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना उपलब्ध हो सके. दैट विल नॉट बी इनफ. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. और प्रोड्यूस करना ही काफ़ी, उसको पैदा करना ही काफ़ी नहीं है. हमको ये भी देखना होगा, ये तरीके देखने होंगे जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक को ये खाना पर्याप्त मात्रा आसानी से मिल जाए.